गोविंदगढ़ कस्बे में मंगलवार को भागीरथ जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी रहे। ओर समाज की ओर से निकाली गई इस शोभा यात्रा में ओर समाज के सभी पुरुष एवं महिलाएं सम्मिलित हुए। उनके साथ भाजपा नेता सुखवंत सिंह भी इस शोभा यात्रा में साथ रहे। कार्यक्रम के दौरान सुखवंत सिंह ने बताया कि भागीरथ जयंती के कार्यक्रम में पहले मुख्य अतिथि केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यक्रम में नहीं आ सके। ओर समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है और समाज को अच्छे बुरे वक्त में जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा समाज के साथ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से दिया गया संदेश अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने समाज के सामने रखा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने समाज के लिए 80 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है। ओड राजपूत समाज की ओर से सुबह 9 बजे भागीरथ धर्मशाला से कस्बे के चारों बाजारों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भागीरथ महाराज, कृष्ण राधा, शिव शंकर पार्वती आदि की आकर्षक का केंद्र रही। शोभा यात्रा सीकरी रोड भागीरथ धर्मशाला से शुरू होकर कस्बे के चारों बाजारों से होती हुई कार्यक्रम स्थल खेड़ा महमूद रोड माया मैरिज होम में पहुंची। इस दौरान कस्बे के व्यापारियों की ओर से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और जगह जगह शोभा यात्रा के लिए ठंडे पानी की प्याऊ और मीठे पानी की छबील लगाई गई। धर्मगुरु बालकदास स्वामी ने बताया कि जिस समाज में शिक्षा का अभाव होता है वह समाज हमेशा पिछड़ा हुआ होता है। समाज के लोगों को युवाओं में और बच्चों में शिक्षा की जनजागृति करनी होगी और अपने आदर्शों और अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर कार्य करने होंगे, तभी समाज में जनजागृति लाई जा सकती है, तभी समाज आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में संपन्न हो सकेगा। धर्मसभा को संबोधित करते हुए अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने कहा कि हमारे समाज में एकजुटता का प्रमाण बना है, हमें हमारे राष्ट्र संस्कृति को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा और हमें इसके लिए एकजुटता बनाए रखनी है। समाज तभी आगे बढ़ेगा तब हमारे समाज में शिक्षा का माहौल पैदा होगा, समाज में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तभी समाज आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से विकसित होगा। मैं राजनीतिक रूप से और समाज नेतृत्व करता रहूंगा, कहीं भी मेरी समाज को जरूरत पड़ेगी मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आना था, लेकिन पार्टी के काम की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से दूसरी जगह जाना पड़ा, इसलिए वह कार्यक्रम में नहीं आ सके। उन्होंने समाज के लिए कई घोषणाएं की हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खेड़ा महमूद गांव की गोद लेकर विकास के कामों को करवाने का प्रण लिया है, जिसके लिए 25 लाख रुपए तक के काम गांव में करवाए जाएंगे। वहीं युवाओं के लिए गोविंदगढ़ में लाइब्रेरी बनवाने के लिए 15 लाख रुपए श्रम रोजगार मंत्री की ओर से घोषणा की गई है। मयोर राजपूत समाज के अलवर में छात्रावास के लिए भवन निर्माण के लिए 25 लाख तथा लाइब्रेरी के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा श्रम रोजगार मंत्री की ओर से की गई है, जिससे समाज के बच्चे पढ़ सके और वह समाज को आगे लेकर जा सके। समाज के लिए कहीं भी कोई आवश्यकता जब भी पड़ेगी भाजपा ओर राजपूत समाज के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और भी विकास कार्यों को करवाने के लिए जब भी समाज को आवश्यकता पड़ेगी हम समाज के साथ रहेंगे। इस दौरान सांसद महंत बालकनाथ, भाजपा नेता सुखवंत सिंह, विजय मीणा, सुदेश खामरा, गोविंदगढ़ ओर समाज अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, खुशी राम, रूड़ा राम, पांची राम, बसंत लाल, जयपाल, नीरज भाटी, दीवान चंद, तुलसी राम, अर्जुन मनोहरी, जयमल, इंद्रजीत पाटा, काशीराम, राम सिंह, रमन गुलाटी आदि मौजूद रहे।